अभी एक क्वेश्चन है, आभासी गति यानी आभासी प्रत्यक्षण के प्रमुख प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो आइए और इसको हम देखते हैं। पहले हम आभासी गति किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। आभासी गति वैसी गति को कहा जाता है जहाँ व्यक्तिगत को गति का प्रत्यक्ष उद्दीपक या लक्ष्य वस्तु में स्थिर होने पर अर्थात गति में नहीं होने पर भी होता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है आभासी गति एक तरह का भ्रम की आवश्यकता है, अवस्था है जिसमें व्यक्ति को वस्तु या उद्दीपक के स्थिर रहने पर भी गति का प्रत्यक्षण होता है। आभासी गति को निम्नांकित 7 भागों में मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है, जिसमें पहला है हमारा फाई घटना। फाई घटना को सबसे पहले गेसाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। वाल्डहाइमर, जिसे गेसाल्ट स्कूल का जनक कहा जाता है, 1912 में एक प्रयोग किए। इसमें दिखलाया गया है 2 बल्ब यदि एक खास समय अंतराल पर जलाया और बुझाया जाए तो देखने वाले व्यक्ति को आभासी गति का ज्ञान होगा, अर्थात व्यक्ति को ऐसा प्रतीत आभास होगा कि बल्ब में एक ही जगह से दूसरे जगह एक निश्चित दिशा में घूम रहा है। इसे वाल्डहाइमर ने फाई घटना की संज्ञा दी है। उन्होंने बताया कि फाई घटना होने के लिए आवश्यक है कि एक बल्ब को बुझने तथा दूसरे बल्ब को जलने के बीच समय अंतराल 60 मिलीसेकंड का हो। अगर यह समय अंतराल इससे काफ़ी कम है तो व्यक्ति गति को गति का प्रत्यक्षण ना होकर ऐसा प्रतीत होगा दोनों बल्ब एक ही साथ जलाया गया। उसी तरह यदि दोनों बल्बों के बीच एक समय अंतराल 60 मिलीसेकंड से काफ़ी अधिक है तो व्यक्ति को गति का प्रत्यक्षण न होकर ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों बल्ब बारी बारी से जलाया जा रहा। आजकल मनोवैज्ञानिकों ने फाई घटना को एक नया नाम एस्ट्रोस्कोपिक गति दिया है, जिसे बीटा गति भी कहा जाता है। अनस्टिस के अनुसार चलचित्रों में दर्शकों में गति का आभास उत्पन्न करने के लिए एस्ट्रोस्कोपिक गति का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा है स्वगतिक प्रभाव। स्वगतिक प्रभाव के द्वारा भी हमें आभासी गति का प्रत्यक्षण होता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह दिखलाया है कि यदि अंधेरे कमरे में एक छोटा सा प्रकाश की स्थिर बिंदु पर ध्यान से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि रोशनी की बिंदु इधर से उधर घूम रहा है। इस तरह की आभासी गति को स्वगतिक गति की संज्ञा दी गई है। तीसरा है उत्पन्न गति। उत्पन्न गति तब उत्पन्न होती है जब दृष्टि उद्दीपकों का ढांचा एक दिशा में घूमने लगती है, जिससे अवरम होता है कि उससे स्थिर लक्ष्य उद्दीपक उसके विपरीत दिशा में घूम रहा है। डंकर ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया, जब किसी वस्तु को एक गतिशील पृष्ठभूमि संदर्भ में रखकर व्यक्ति को दिखलाया जाता है तो व्यक्ति को गति का प्रत्यक्षण होता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिर वस्तु ही घूम रही है, पृष्ठभूमि स्थिर है। इस परिस्थिति में और पृष्ठभूमि क्या है, स्थिर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण चांदनी रात में जब बादल के कुछ टुकड़े इधर से उधर घूमते नजर आते हैं ऐसे मिलता है। ऐसी परिस्थिति में लगता है चंद्रमा तेजी से एक दिशा में बादल को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है, जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। चंद्रमा स्थिर होता है और बादल के टुकड़े गतिशील होते हैं। उत्पन्न गति का प्रयोगात्मक अध्ययन गोगेल द्वारा किया गया है। इन्होंने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन में पाया है, अगर प्रायोज्य को एक घूमते हुए वर्गाकार फ्रेम के बीच एक बिंदु रखकर दिखलाया जाता है तो बिंदु फ्रेम के गति के विपरीत गति में चलते हुए प्रायोज्य को नजर आता है। गोगेल तथा टीच ने अपने अध्ययन में कुछ वैसे चरों का पहचान किया है जिनसे उत्पन्न गति का प्रत्यक्षण प्रभावित होता है। इनके अध्ययन के अनुसार जब इर्द गिर्द का फ्रेम तथा लक्ष्य वस्तु प्रत्यक्षणकर्ता को अलग अलग दूरी पर प्रतीत होता है तो वैसी अवस्था में उत्पन्न गति की मात्रा का प्रत्यक्षण कम हो जाता है। कुछ स्थानों के स्थान के आधार पर यह दावा किया गया है कि इर्द गिर्द फ्रेम जो
लक्ष्य वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है को विस्तृत होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण स्वरूप अपने अध्ययन में पाए हैं कि लक्ष्य बिंदु के अलावा यदि मात्र एक प्रकाश बिंदु और उपस्थित किया जाता है तो इससे लक्ष्य बिंदु में गति उत्पन्न होने का प्रत्यक्षण होने लगता है। किसी अंधेरे पृष्ठभूमि में जब दो प्रकाश बिंदु को स्थिर रखा जाता है तो एक में गति उत्पन्न हो जाती है तो प्रत्यक्षणकर्ता को स्थिर प्रकाश बिंदु भी गतिशील नजर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश गति का प्रत्यक्षण उस परिस्थिति में भी होता है जब एक उद्दीपक दूसरे स्थिर उद्दीपक की तुलना में गतिमान होता है और पृष्ठभूमि ऐसी होती है जो उसे यह संकेत नहीं प्रदान करता है कि कौन स्थिर है। परिणाम स्वरूप जो वस्तु या उद्दीपक वास्तव में स्थिर है वह गतिशील प्रतीत होता है। गति अनुप्रभाव, गति अनुप्रभाव तब उत्पन्न होता है जब, ये चौथा नंबर है, जब व्यक्ति किसी ऐसे उद्दीपक पर ध्यान देकर देखता है जिसमें एक सतत गति हो रहा हो और फिर वह अपना ध्यान दूसरे उद्दीपक पर देता है जिससे वह दूसरा उद्दीपक पहले उद्दीपक से विपरीत दिशा में गतिशील महसूस होने लगता है। जैसे हम किसी पानी के स्वाभाविक झरने पर पानी को ऊपर से नीचे गिरते हुए स्थिति में कुछ मिनट गौर से देखें और फिर अपना ध्यान अगल बगल के पौधों और पत्थरों पर ध्यान दें तो पाएंगे पौधे और पत्थर आदि ऊपरी दिशा में जा रहे हैं। यद्यपि सच्चाई यह है कि वो स्थिर है। उसके बाद पांचवा नंबर है आकृतियों में गति। कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनको देखकर गति होने का आभास व्यक्ति को होता है। विभिन्न प्रकार के कला एवं फोटोग्राफी में अक्सर ऐसी आकृतियाँ होती है जिन्हें देखकर आभासी गति का अंदाजा व्यक्ति को होता है। स्पष्ट हुआ कि गति प्रत्यक्षण में दो तरह के प्रत्यक्षण सम्मिलित होते हैं, पहला है वास्तविक और दूसरा है आभासी गति का प्रत्यक्षण। आभासी गति के प्रमुख पाँच प्रकारों का वर्णन हमने कर लिया।